आपको इश्यूज आते हैं, प्लीज 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 वो इश्यूज जरूर डिस्कस करें। अगर वो आप इश्यूज डिस्कस नहीं करेंगे, एहसन और काजी साहब के लिए भी ये बात है कि वो अगर इश्यूज डिस्कस नहीं करेंगे, जितने भी जिन्होंने पोस्ट में और ये जिन्होंने पहले प्री में भी कर रहे थे, उनके भी कोई अगर इश्यूज हैं, क्योंकि क्लास के स्टार्ट में मैं सबसे पहले हमेशा ये डिस्कस करता हूँ, यार अच्छा जो कल हमने देखा था उसके अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी ऑब्जर्वेशन है, कोई बात है तो कल नहीं, तो वो आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स उसमें वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं आ रहा होता। बट स्टिल आई बिलीव के जी के शायद आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आप चीज़ों को एक दफ़ा लेक्चर सुन के और पढ़ के आपको समझ आ जाती है। तो प्लीज़ जो है ना, इसको हमने फोकस करना है। बेसिक आपका मेरा पैक का हम सब का ऑब्जेक्टिव क्या है इस अटेम्प्ट के अंदर, मार्च के अटेम्प्ट में, इस सब्जेक्ट को क्लियर करना है। और अगर आप, मैं और पैक ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाते तो सबके लिए जो सा परेशानी होगी। तो हम सब लोग मिलके इसी एक डायरेक्शन के अंदर कोशिश कर रहे हैं। पैक भी आपको कह रहा है जी मिड टर्म दें, आपको कह रहा है टेस्ट दें, आपको कह रहा है कि आप रिकॉर्डिंग्स देखें, आपको कह रहा है कि आप क्लासेस अटेंड करें, आपको मोटिवेट कर रहा है, अटेंडेंस आपकी इतनी होगी, आपके टेस्ट में रिजल्ट अच्छे आएंगे, सारे टेस्ट देंगे, आपको हम डिस्काउंट्स भी देंगे, आपको हम और रिगार्ड्स प्राइजेज और वो सारी चीज़ें देंगे। बट ऑल दीज एफर्ट्स आर टूवर्ड्स वट यू अचीविंग द पासिंग मार्क्स इन मार्च 2019 अटैम्प्ट। ये सब कुछ इस काम के लिए है। जो लोग हमारी रिकॉर्डिंग जो गायबाना नमाज जनाजा पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जी के आप लोग भी अगर समझते हैं कि सिर्फ आप इतने बेहतरीन हैं कि आप रिकॉर्डिंग देखकर या सिर्फ आप किताब पढ़ के ही पास हो जाएंगे, तो वो शायद आपके लिए मुश्किल होगी बाद में। आपको हो भी सकते हैं लेकिन मुश्किल होगा। तो एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम, एक मैथडोलॉजी जो कि पैक ने इतने लंबे अरसे में जाके डेवलप की और उसको मैच्योर किया, उसको उस रिजल्ट्स भी पैक ने उस मैथडोलॉजी से, उस प्रोसेस से रिजल्ट्स भी लिए हैं। तो अगर हम समझेंगे कि हम उस मैथडोलॉजी, उस प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे और फिर भी हम रिजल्ट्स ले लेंगे तो ले सकते हैं, बट योर चांसेस ऑफ सक्सेस विल बी डिम। और अगर आप इस मैथडोलॉजी को, इस प्रोसेस को, इस पूरे सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे, जैसे कहा जा रहा है, पैक कह रहा है जी क्लासेस लो क्लासेस लेंगे, आपके कहा जा रहा है टेस्ट दो टेस्ट देंगे, आपको कह रहा है मिड टर्म दो मिड टर्म देंगे, आपको कहा जा रहा है अटेंडेंस दो अटेंडेंस देंगे, आपको कहा जा रहा है कि टीचर के साथ इंटरेक्ट करो, क्वेश्चन करो, क्यूरीज दो, MCQs की प्रैक्टिस करो, आपको पार्ट्स पेपर की प्रैक्टिस करो और प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन करके आप टेस्ट दो अपने। तो अगर इस सारे प्रोसेस से गुजरेंगे तो योर चांसेस ऑफ सक्सेस विल बी ग्रेट। तो इसलिए गायबाना क्लासेस वाले भाई और सारे स्टूडेंट्स, आप सब लोगों के लिए है कि प्लीज 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 जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करें। उस प्रोसेस में अगर कहीं पे कोई चीज़ नहीं अंडरस्टैंड हो रही, कहीं पे आपको कोई इश्यू है, क्लासेस नहीं ले सकते, बाद में देखनी है, आप देखिए रिकॉर्डिंग, लेकिन जो इंटरेक्शन करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, इंटरेक्शन करने के लिए आपको ये क्लास का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, आपको टेस्ट प्रोवाइड किया, आपको मिड टर्म प्रोवाइड किए, इनमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आप अपने लिए खुद नुकसानदेह करेंगे। तो गायबाना क्लासेस वाले जो उनसे लोग हैं उनके लिए तो स्पेशली, और बाकी लोगों के लिए भी। और ये मैं मैसेज इंशाल्लाह अभी व्हाट्सएप पे भी ड्रॉप करूंगा ये सारी डिस्कशन के जी के हमें किस तरह से चलना। अच्छा, अब हमारा मोनोपोली के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है, मोनोपोली की चीज़ें हम बाकी तो पढ़ ली हैं, सिर्फ एक चीज़ रह गई है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है?
price discrimination is about हमारे दो different markets के अंदर same product की दो different prices. Product is same, जो price discrimination की हम बात कर रहे हैं, we are talking about price discrimination. Price discrimination. Price discrimination है two different prices for a same product. Same के ऊपर जोर है. Same product in two different markets, consumers. अच्छा जी, अब ये बात हमने क्या कही? आगे सर ये क्या बात है? सेम प्रोडक्ट है तो उसकी तो सेम प्राइस होनी चाहिए. अगर हम डिटेल स्टोर खरीदते हैं, चाहे वो हम जाके सीएसटी से खरीदें, चाहे वो मोहल्ले की जो स्टोर है, छोटा स्टोर है, उससे खरीदें, चाहे वो हम हाइपर स्टार से जाके खरीदें, वही सेम प्राइस हमें मिलती है. हम आइसक्रीम खरीदते हैं, हम हाइपर स्टार से खरीदते हैं, या वाल्स की आइसक्रीम हाइपर स्टार से खरीदें, स्टोर से खरीदें, किसी भी जगह खरीदें, हमें तो सेम प्राइस मिलती है. ऐसे ही है ना? लेकिन हम कह रहे नहीं, जो फर्म है, जो बेचने वाले साहब हैं, उन बेचने वाले साहब के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो दो लोगों को दो डिफरेंट प्राइसेस कोट करें. अब ये किस तरह से हो सकता है? ये जनाब एक अगर एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल, एक वकील साहब, एडवोकेट, उनके पास दो डिफरेंट कस्टमर आते हैं, कस्टमर ए एंड कस्टमर बी. कस्टमर ए आते हैं और दोनों कहते हैं जनाब हमें आपकी सर्विसेज चाहिए. हमारा सेम नेचर ऑफ केस, दोनों के पास जो सर्विसेज डिजायर्ड सर्विसेज हैं, वो डिजायर्ड सर्विसेज आर सेम. वो सेम उनका एक्टिविटी है. आपका चाहे कोई कत्ल का मुकदमा है, चाहे कोई घर की वकेट करवाने का चीज है, चाहे कोई सेम आपको सर्विसेज डिजायर्ड है, सेम सर्विसेज दोनों ने देनी है. सर्विसेज सेम होगी, बट व्हाट इज दी कस्टमर ए और कस्टमर बी. अब वो क्या दोनों को सेम प्राइस कोट करेगा? डिपेंड करता है, वो देखेगा यार कस्टमर ए और कस्टमर बी है किस तरह के. वो अगर कस्टमर ए को देखेगा, फॉर एग्जांपल वो कहता है ये साहब आए थे कस्टमर ए और इनके प्रोडक्ट में आए थे और जो इनके ब्रांड्स इन्होंने वेयर किए हुए थे, सारे ब्रांडेड थे, ब्रांड्स वेयर किए थे, फिर इनके बॉडी गार्ड्स थे आगे पीछे चलने वाले और वो सारी चीजें नजर आ रही हैं. और दूसरी जानब ये जो कस्टमर बी वाले साहब हैं, ये देखा था ये टूटी हुई एक चप्पल पहनी हुई आपके वियर्स वॉर्न आउट क्लोथ आपकी साइकिल पे आए हैं जनाब, बाइसिकल पे वो साहब आए और गुर्बत के तस्वीर दर्ज किया ना, वो नजर आ रहे हैं. अब वो एडवोकेट साहब देखेंगे कि अगर मैं ये सेम सर्विस की सेम प्राइस कोट कर देता हूं, फॉर एग्जांपल कहते हैं सेम सर्विस की मैंने 100,000 रुपीज चार्ज करूंगा जो आप सर्विसेज हमसे ले रहे हैं, हम वी आर गोइंग टू चार्ज 100,000 रुपीज. तो उसमें अब ये दोनों कस्टमर्स के अंदर क्या इश्यू है? 100,000
might this customer A would say, yaar, that's so cheap. Ye toh bol sakta aapne mujhe quote kar diya, zabardast. Reservation prices farak hai. Reserve price. Humne jo reserve price ka concept padha tha, yaad hai? Reserve price dono ki farak hai. Aur customer B ko agar aapne 100,000 quote kiya, wo kahega, nahi yaar, sir, ye toh bahut aapne high price quote kar diya. Meri toh itni pasli nahi hai. I will not be able to engage you. तो अब दोनों सूरतों में एडवोकेट साहब तो नुकसान में रहे. इस शख्स से वो 100,000 से ज्यादा ले सकते थे, लेकिन वो उन्होंने सिर्फ 100,000 ही लिया. इस शख्स से को वो 100,000 से कम अगर करते तो इसके कुछ ना कुछ तो 50,000 तो या 25,000 कुछ ना कुछ तो वो ले सकते थे. 100,000 कोट करके उसको उन्होंने खराब कर लिया. तो आपकी जो कंज्यूमर बेस की एपेटाइट टू गिव यू द मनी, एपेटाइट फॉर द प्रोडक्ट, एपेटाइट फॉर परचेजिंग पावर, उसको एक देखना पड़ता है आपको. अगर इन साहब को पता हो कि अच्छा, इनको मैं 25,000 में चार्ज कर दूं तो ये कस्टमर मेरे पास रुक जाएगा, और इसको मैं आपके 1,000,000 चार्ज कर दूं फिर भी ये कस्टमर मेरे पास रुक जाएगा, बल्कि ये ज्यादा खुश होगा कि यार अच्छा बड़े वकील को लाया कोई जिन्हें 10 लाख रुपया या करोड़ रुपए की गल कर रहा है, छोटा वकील नहीं लाख रुपए की गल कर रहे. तो अब क्या हुआ, सर्विस सेम थी पर प्राइस डिफरेंट हो गई. सेम सर्विस टू डिफरेंट कस्टमर टू डिफरेंट प्राइसेस. ये चीज हम अगर करेंगे, दिस इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. अच्छा आप कहेंगे सर ये तो चले आपकी बात ठीक हम मान लेते हैं, लेकिन ये क्या कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पे ये हो सकती है, ये कौन से लोग करते हैं? तो आपके साथ भी होती है, वापदा वाले एजेंट हैं. वापदा को पता है? वापदा लेस्को लाहौर के अंदर है, तो लेस्को बाकी सारी जगहों पे मुल्तान में मेपको और बाकी लोग जो हैं, तो वापदा वाले भी कहते हैं कि जनाब इफ यू आर एन डोमेस्टिक कस्टमर, आप डोमेस्टिक कस्टमर हैं, और यू आर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल, तो आपकी जो पर यूनिट प्राइस है वो फर्क होगी. हालांकि दोनों लेकर रहे हैं, दोनों इससे इलेक्ट्रिसिटी, उसने भी इलेक्ट्रिसिटी से लाइट्स ऑन करनी है, बिजली पंखे से, पंखा एसी फ्रिज वो चलाना है, इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं. सेम प्रोडक्ट दे आर परचेजिंग फ्रॉम वापदा, वापदा से सेम प्रोडक्ट ली जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है. लेकिन डोमेस्टिक कस्टमर्स के लिए कहता है, फॉर एग्जाम्पल आई विल चार्ज यू ₹10 पर यूनिट, और कमर्शियल कंज्यूमर के लिए कहा हुआ है वी विल चार्ज यू ₹15 पर यूनिट. तो ये सेग्रीगेशन, ये जो दो डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. हम ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तो, लेकिन इसमें एक चांस देखिए, चांस देखें क्या चांस है. चांस ये है कि डोमेस्टिक वाला कहे, भाईजान कमर्शियल वाले भाई आपको बिजली चाहिए ना, यू नीड इलेक्ट्रिसिटी, तो आप इस तरह कीजिए मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी यूनिट प्रोवाइड कर देता हूं. कर सकता कि नहीं कर सकता? वापदा मुझे 10 रुपये चार्ज करेगा, आप मुझे इस तरह कीजिएगा ये 12 रुपए में आप मुझसे ले लें, अगर आप वापदा के पास जाते हैं तो वापदा आपको 15 रुपए की बेचेगा, आपको 3 रुपए का फायदा हो जाएगा, आपको 12 रुपए की जो आपकी प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट मैं आपको आई एम विलिंग टू सेल यू फॉर ₹12 पर यूनिट.
कमर्शियल वाला जो लोग बंदा है उसको फायदा होगा कि नहीं होगा, वो बजाय इसके कि 15 रुपए की वापडा से ले, इससे 12 रुपए की ले लेते हैं तो उसको फायदा होगा। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर की एक्टिविटी वहां पे ही कामयाब हो सकती है जब आपकी मार्केट के अंदर सेपरेशन पॉसिबल हो। क्या ख्याल है? सेपरेशन, सेपरेशन पॉसिबल हो और क्रॉस सेलिंग, ये जो ये काम किया ना हमने, इसको कहते हैं क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग इज कंट्रोलेबल। आप क्रॉस सेलिंग नहीं करेगा कोई भी, उसको कंट्रोल किया जा सकता। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहां पे हो सकती है? वहां पे हो सकती है जो कि प्राइस, जो फर्म प्राइस सेट करने की एबिलिटी रखती है। और प्राइस सेट करने की एबिलिटी हमने अभी देखा है कि मोनोपोली के अंदर होती है, वो प्राइस मेकर होता है। आपके अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बेसिक कंडीशंस कौन सी नजर आ रही हैं? बेसिक कंडीशंस नजर आ रही हैं कि यू हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स विच हैव डिफरेंट एपेटाइट, डिफरेंट परचेजिंग पावर, डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दो डिफरेंट मार्केट्स हैं, दो डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं जिनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट है। जैसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कस्टमर ए की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट है, कस्टमर बी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट है। इसे 1 लाख रुपए हमने कहा था, इसने कहा था मैं नहीं आपके साथ काम कर सकता। रिस्क आपकी जो परचेजिंग पावर है, एपेटाइट, वो डिफरेंट है। सेम गोल शेयर, यहां पे डोमेस्टिक को अगर हम 10 रुपए की बजाय 11 रुपए या 15 रुपए की बेचना शुरू करेंगे, उनकी परचेजिंग पावर के ऊपर असर है। गरीब आदमी जो, जिसने फिर पंखा चलाना है, उसने कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करनी। और दूसरी जानिब जिसने कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, उसकी परचेजिंग पावर के अंदर फर्क है। उसने 15 रुपए की यूनिट लेकर कोई दुकान चलानी है, कोई फैक्ट्री चलानी है, कोई और काम करने है उससे, तो उसने तो पैसे कमाने हैं, तो उसका डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फर्क है, इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फर्क है। जो डोमेस्टिक है जहां पे कम चार्ज करनी पड़ती है प्राइस, इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी मोर इलास्टिक। और जहां पे हमारी प्राइस हम ज्यादा चार्ज कर सकते हैं वहां पे ईडी लेस इलास्टिक। हम ज्यादा चार्ज कर लें, उनकी डिमांड फिर भी कम नहीं होगी, वो डिमांड फिर भी करेंगे। तो ये दो डिफरेंट इलास्टिसिटी के कंज्यूमर्स हमारे सामने मौजूद होते हैं जिनको कि हम डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। और सेपरेशन बिटवीन द कंज्यूमर्स, द मार्केट्स वी कैन मेक, और क्रॉस सेलिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब ये कंडीशंस हो तो, और दूसरा हम प्राइस सेट करने की पोजीशन में, हम मोनोपोली हैं, तो ये कंडीशंस हो तो फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करके फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकती है। क्या ख्याल है? यहां पे देखते हैं अब, लेट्स मूव हियर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, the action of selling same product to different groups of buyers at different prices in order to maximize profit, profit maximize karna. Ji Alisha ne bilkul movie ka jo aapka jo cinema ke tickets hain wo cinema ke tickets mein bhi aapko same product डिफरेंट प्राइस पे दी जा रही है। और उसमें भी आपको पता है कि यार अच्छा, अगर हम गैलरी वाला जो लोग हैं उनको चार्ज कर लें 1000 भी,
वो मौजूद होंगे, और जो हाल वाले लोग हैं उनको अगर हमने 500 या इससे नीचे नीचे चार्ज किया तो फिर उनकी तो सेग्रीगेशन। और अगर दूसरी जानब हाल वाला टिकट ले और टिकट लेके जंप करके वो गैलरी में शिफ्ट हो सकता हो तो क्या ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होगी? नहीं होगी। तो इसीलिए वो बंदे खड़े होते हैं कि आपका कौन सा टिकट है? गैलरी का। अच्छा, आप इस दरवाजे से चले जाएं। आपका कौन सा टिकट है? हाल का। आप अगले दरवाजे से जाएं। जब आप हाल में जाते हैं तो हाल में से भी कोई ऐसा रास्ता आपको नहीं मिलता जहां पे आप जंप करके गैलरी में जा सकते हो। तो क्रॉस सेलिंग आप इसको नहीं कर सकेंगे। आप चीजों को कंट्रोल, सेग्रीगेशन होगी, कंट्रोल होगा। क्लियर है जी? दी हेटेरोजेनिटी इन प्राइस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो हम बात कर रहे हैं कि जनाब आप डिफरेंट कंज्यूमर्स को डिफरेंट प्राइस चार्ज कर लें, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सेम ही रहेगी ना। जो मूवी फॉर एग्जाम्पल सिनेमा के अंदर लगी है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सेम है, वो दोनों के लिए सेम है। दोनों के लिए कॉस्ट, इसके लिए भी अगर 100 है, इसके लिए भी 100 है, दोनों कंज्यूमर्स के लिए कॉस्ट विल रिमेन सेम। उसमें कोई फर्क नहीं है दोनों के कॉस्ट के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी जो आपने जितने यूनिट प्रोड्यूस किए दोनों के लिए कॉस्ट सेम है। कॉस्ट फर्म का मसला है, वो कंज्यूमर का मसला नहीं है। कॉस्ट इज रिलेटेड टू द फर्म। मैंने प्रोड्यूस करनी है, मुझे कॉस्ट करेगी, पर यूनिट कॉस्ट मेरी कॉस्ट है, फर्म की कॉस्ट है, कंज्यूमर का उसके साथ कोई लेन देन नहीं है। वो यहां पे सिर्फ यही बात समझाई जा रही है। इट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। हम जो हेटरोजेनिटी इन प्राइस की बात कर रहे हैं, सेग्रीगेशन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कर रहे हैं। इसमें कॉस्ट कम नहीं हो रही, सिर्फ प्राइस में फर्क आ रहा है। ट्रू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ओनली अकर व्हेन द गुड्स बीइंग सोल्ड इज आइडेंटिकल, सेम आइडेंटिकल। फॉर एग्जाम्पल ये जो बात हमने कही, फर्स्ट क्लास सीट ऑन प्लेन विल हैव हायर एसोसिएटेड कॉस्ट देन एन इकोनॉमी सीट, एंड सो चार्जिंग ए हायर प्राइस डजंट काउंट एज डिस्क्रिमिनेशन। जहाज के अंदर जाते हैं ना, आपने कौन सी फीस सीट लेनी है? इकोनॉमी। आपने कौन सी लेनी है? बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास के ये प्राइस है, इकोनॉमी की ये प्राइस है। बिजनेस क्लास की कॉस्ट ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि बिजनेस क्लास के अंदर आपको सीटें बड़ी मिली हैं, आपको उसके अंदर आपको स्पेस ज्यादा है, आपको स्पेशल सर्विस करेंगे, आपको खाना भी उसका डिफरेंट होगा, आपको उसकी वो सारी फैसिलिटीज डिफरेंट होंगी इकोनॉमी से, तो उसकी कॉस्ट डिफरेंट है। तो वो उसने ये समझाने के लिए कहा कि जनाब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जिसकी हम यहां पे बात कर रहे हैं वो उस प्राइस की हम बात कर रहे हैं जहां पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल की जा रही है, सेम प्रोडक्ट सेल की जा रही है दो डिफरेंट कंज्यूमर्स को, दो डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर। उसको जहन में रखिए। जो आपके प्लेन के टिकट्स के अंदर फर्क है क्योंकि उसकी कॉस्ट स्ट्रक्चर भी फर्क हो गए हैं दोनों के, इसलिए वो हमारी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन के अंदर नहीं आते। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन कौन सी कंडीशन है? थ्री कंडीशन दैट मस्ट बी मेट। वन, मोनोपोली पावर, जो हमने कहा फर्म मस्ट बी एबल टू सेट प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हमने कहा ईच ग्रुप बायर मस्ट हैव अ डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन ऑर्डर टू एक्सपेक्ट मोर सप्लाई। डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अमीर आदमी मोर इलास्टिक, गरीब आदमी जो कमर्शियल कंज्यूमर्स लेस इलास्टिक, डोमेस्टिक कंज्यूमर मोर इलास्टिक। सेपरेशन ऑफ मार्केट, सेपरेशन ऑफ मार्केट पॉसिबल है, जो हमने ये बात की सेपरेशन होनी चाहिए, क्रॉस सेलिंग के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। वापडा, अगर ये डोमेस्टिक कंज्यूमर कोई इस तरह का एक्टिविटी करे तो वापडा गवर्नमेंट के लॉज के अंदर लिखा हुआ है कि जो शख्स डोमेस्टिक कंज्यूमर कमर्शियल कंज्यूमर को बिजली बेचेगा उसको पुलिस में हम कैद कर देंगे, थाने में कैद कर देंगे, उसके खिलाफ जुर्माना भी होगा, उसका मीटर भी काट दिया जाएगा और उसके लिए फिर
मुश्किल सिचुएशन आ जाएगी, तो ताकि क्रॉस सेलिंग को डिस्करेज किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। क्लियर है? अच्छा जी, अब ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती किस तरह से है, डायग्राम भी बना के देख लेते हैं। दो डिफरेंट मार्केट्स हैं, दोनों मार्केट्स में हमारा सेम कॉस्ट स्ट्रक्चर है। अब ये जो हमने लाइन लगाई है ना, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम आवर एवरेज कॉस्ट कर्व, और जो इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारी एवरेज कॉस्ट बनती है उस पर बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। यूनिट कॉस्ट दोनों के लिए सेम है। एक मार्केट हमारी इलास्टिक डिमांड है, मार्जिन रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। एक मार्केट में हमारी इन इलास्टिक डिमांड है, मार्जिन रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। हमने क्या पढ़ा था, कहां पे इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम कहां पे आता है, वेयर एम सी इज इक्वल टू एम आर। हमने ये जो लाइन काले रंग की लाइन जो अभी हमने ड्रॉ की है, ये एम सी के लिए हमने ले ली कि ये इस पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट जो इक्विलिब्रियम पे कंपनी को पड़ती है, पर यूनिट कॉस्ट पड़ती है, वो हमने ले ली। अब एम सी इज इक्वल टू एम आर किधर है, इसके लिए एम सी इज इक्वल टू एम आर इधर है, इसके लिए एम सी इज इक्वल टू एम आर इधर है। तो मुश्किल तो नहीं। अब प्राइस देखिए, जो प्राइस हम चार्ज कर सकते हैं, इसके लिए वी कैन चार्ज दिस मच प्राइस फॉर एग्जांपल, वी कैन चार्ज दिस मच प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉर दिस आवर, क्योंकि प्राइस कहां से ड्रा होती है, जहां पे एवरेज रेवेन्यू को ये कट करता है, याद है, भूल तो नहीं गया, और इसके लिए वी कैन चार्ज दिस मच प्राइस। ये उन्होंने बताया। ऐसी जो मार्केट जो कि आपकी इलास्टिक डिमांड कर्व है, उसके अंदर यू चार्ज लो प्राइस, और ऐसी जो मार्केट जिसके कंज्यूमर्स की इन इलास्टिक डिमांड कर्व है, और डिमांड कर्व हमने किसको कहा हुआ था, एआर इज डिमांड कर्व, एआर इज डिमांड कर्व, हम ये पढ़ लिखे हुए, ठीक है जी। अब ये देखिए, अब इक्विलिब्रियम, यहां पे इक्विलिब्रियम, इसकी बेस के ऊपर हायर प्राइस चार्ज की, यहां पे इक्विलिब्रियम, इसकी बेस के ऊपर लो प्राइस चार्ज की, तो दोनों की मार्केट से अगर आपने मैक्सिमम प्रॉफिट अखज़ करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट, तो आपको डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करनी पड़ेंगी। ये देखें, दो डिफरेंट मार्केट्स हैं, यहां पे इलास्टिक वाला इधर आ गया जी, और इन इलास्टिक वाला इधर है, इन इलास्टिक डिमांड कर, और उसी को उन्होंने बताया कि जी के प्रॉफिट अगर आपको, जो अभी हमने बात की, और ये एम सी इज इक्वल टू ए सी, ये उसने ये लाइन जो हमने बात ड्रा की थी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर इज दैट डिमांड इज मोर इलास्टिक इन मार्केट ए, एंड देयरफॉर द मोनोपोलिस्ट चार्ज ए लोअर प्राइस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। In market B, the demand is more inelastic, meaning it charges a higher price. Without a price discrimination, the monopolist would charge just one price to both market A and B, in which case the total level of profit would be lower. So, humne price discrimination karke zyada nafa kama liya, zyada cheez price charge kar li,
ज़्यादा सेल्स कर ली और उससे हमने मुनाफा अपनी फर्म के मुनाफे को में इजाफा कर लिया। प्रैक्टिकली ये कहीं पे होता भी है और क्या क्या पे देखे हमने, एग्जाम्पल्स पे देखे। बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, एक डॉक्टर साहब हैं, वो डॉक्टर साहब सेम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किसी बड़े हॉस्पिटल में बैठते हैं तो वो 3,000 रुपया पर पेशेंट चार्ज करते हैं, और वही डॉक्टर साहब वही सर्विसेज किसी गरीब बस्ती के अंदर प्रोवाइड करते हैं तो वो 30 रुपये या 300 रुपये पर पेशेंट चार्ज कर लेते हैं। अब यही एपेटाइट जो हम बात कर रहे हैं, यही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जिसकी वजह से वो डॉक्टर साहब मजबूर हैं कि सेम सर्विसेज चाहे प्रोवाइड करें लेकिन अपनी सर्विसेज के चार्जेस जो इन इलास्टिक डिमांड कर्व वाले लोग हैं उनको वो 3,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं। जो इलास्टिक डिमांड है जहाँ पे पता है कि ज़्यादा प्राइस हमने ली तो ये फौरन से पहले भाग जाएंगे, तो उनसे वो कम प्राइस चार्ज कर रहे हैं, 300 रुपया चार्ज कर लिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और भी कई एग्जाम्पल्स आपके सामने होंगी, इसके बारे में गौर करें और एग्जाम्पल्स व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करें कि आपके दिमाग में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कौन सी एग्जाम्पल्स आती हैं। ठीक है, लेट्स कंक्लूड फॉर टुडे, और सैटरडे हमारा ऑफ होगा, मंडे से इंशाल्लाह आपके मिड टर्म होंगे। जो लोग मिड टर्म ले रहे हैं वो मिड टर्म को लाजमी सीरियसली लें, और एसएन या जो पोस्ट के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी रिकॉर्डिंग्स को ज़रा देख लें, अगर कोई उसमें इशू आए आई एम अवेलेबल वीआ व्हाट्सएप और डायरेक्ट मैसेज, वट एवर यू आर फील कम्फर्टेबल यू कैन अप्रोच मी। ठीक है जी, एसन ठीक है, आई नीड येस फ्रॉम यू, ओके ओके जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म्स एंड वी विल मीट इंशाल्लाह आफ्टर मिड टर्म। अल्लाह हाफिज़।